चौखट है काफी आपकी।
घर रोज दुरूदों की सजाओ महफिल, अपने घर रोज दुरूदों की सजाओ महफिल, देखते देखते हालात बदल जाएंगे। समईन करम, अल्लाह तबारक व तआला का लाख एहसान, नबी पाक का करम कि हम उस नबी दो आलम की उम्मत में हुए कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब करार दिया, वो नबी कि जिसके ऊपर तमाम मुकामात खत्म हो गए, जिस पर नबूवत का इख्तिताम हो गया, वो नबी कि जिस पर आकर तमाम अजमतें अपने उरूज को पहुंच गईं, वो नबी कि जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे इनामात किए जो इससे पहले कभी ना सुनने में आए ना देखने में आए, वो नबी जो अपनी उम्मत का इस कदर गमख्वार था कि जब इस दुनिया में आया तब भी रब्बी हबली उम्मती लबों पर था, और जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तब भी उम्मती उम्मती लब पर जारी था। तो कितनी किस्मत वाली है ये उम्मत कि उसके नबी को गम है तो अपनी उम्मत का, उसके नबी को ख्याल है तो अपनी उम्मत का। वो नबी शब और रोज आंसू बहाता है रब ताला की बारगाह में, जब भी हाथ उठाता है तो दुआ अपनी उम्मत के लिए निकलती है। तो क्यों ना किस्मत पर नाज करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा लजपाल नबी अता किया, इतना गमख्वार नबी अता किया कि जिसे हमारी फिक्र है। तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने आका के लिए हम वैसा ही करें जैसा वो हमसे चाहते हैं, हम वैसा ही बन जाएं जैसा कि हमारे आका हमसे तवक्का रखते हैं, हम वैसे काम करें जैसा कि हमारे आका को हमसे तवक्का है, या जैसे कि उनकी निस्बत से हमें करने चाहिए। वो आका की मोहब्बत, वो आका का प्रचार, वो आका का पैगाम आज हमें हर सीने तक पहुंचाना होगा। अपने आका की मोहब्बत हर सीने के अंदर बिठानी होगी। जब ये आका की मोहब्बत सीनों में आ जाएगी तो हम तमाम तफर्रकाबाजी से निकल जाएंगे। हमारे दिलों में सिर्फ एक नाम होगा अल्लाह का, हमारे दिलों में फकत एक हस्ती की बात होगी फकत मोहम्मद की। तो हमारे लबों पे यही होगा कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। आइए, कि नातों का सिलसिला जारी वसारी है, गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद अली कादी साहब से कि बागाए सालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम में हदियाए अकीदत पेश फरमाएं। Na 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 na
गलियां दे दर कोई तो दुआ देते हैं, गलियां दे दर कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते तस्कीन में डल जाते हैं, तो तस्कीन में डल जाते हैं, जो करम होता है हालात बदल जाते हैं, जो करम होता है हालात बदल जाते हैं, कोई देखे तो सदा उनकी दुआई देते, कोई देखे तो सदा उनकी दुआई देते, या मोहम्मद से तो पत्थर भी बिगल जाते सरकार हो जाए, सर में बेकरम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाह मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए, निगाह मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए, अगर आला तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए, बार हो जाए तुम्हारी एक नजर तेरे हम दीदार हो जाए, से एक बार देश मुस्तफा को तू पुकार, से एक बार से जो तुम हो तो मदीने में घूम ले आए, जो तुम हो तो मदीने में घूम ले आए, हसीन रोज की दीवार चूम ले आए, हसीन रोज की दीवार चूम ले आए, अगर हुजूर के रोजे की दीद हो जाए, हुजूर के रोजे की दीद हो जाए, कसम खुदा की गरीबों की ईद हो जाए, से एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार, हविज है तो जिगर पैदा कर, खाने के हविज है तो जिगर पैदा कर, सर परोशी की तमन्ना है तो जर पैदा कर, कौन सी शह जहाँ जलवाए महबूब नहीं, कौन सी शह जहाँ जलवाए महबूब नहीं, शोक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार।
अधिकार से हम दीन करेंगे रोशन, जिक्र अधिकार से हम दीन करेंगे रोशन, सरफरोशी की गुलामों ने कसम खाई है, सरफरोशी की गुलामों ने कसम खाई है, जान देकर भी इस मिशन को फैलाएंगे, जान देकर भी इस मिशन को फैलाएंगे, हमने करबल के शहीदों की कसम खाई है, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, कि निगाहें मुंतजर रह जाएं और दीदार हो जाए, और फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए, और तुझे मंजूर है पर्दा मुझे पासे अदब पढ़ना, मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। बागाह सालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम में हदीए अकीदत पेश फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद अली कादी साहब। सामईन कराम, नबी पाक का इश्क बड़ी दौलत है, और ये दौलत उन लोगों को मिला करती है जो नबी पाक से वासिल हो जाते हैं, जिनका ताल्लुक नबी पाक से कायम हो जाता है, जो नबी पाक की निस्बत हासिल कर लेते हैं, जिनको नबी पाक की सोबत मिल जाया करती है। लेकिन ऐसा कब होता है, ये दिल मदीना कैसे बनता है, इस दिल के अंदर हुजूर पाक का इश्क कैसे आता है, आइए हम पूछते हैं इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब। फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे अंदर हुजूर पाक का इश्क पैदा हो, तो किसी खुशलहान नातवा से नाते सुना करो, नबी पाक की नाते सुनने से नबी पाक से मोहब्बत पैदा होती है, नबी पाक का इश्क पैदा होता है, नबी पाक की निस्बत मिला करती है। इसीलिए आज हम भी कूचा कूचा करिया करिया जहाँ देखते हैं नबी के नाम के नारे नजर आते हैं, नबी के नाम के झंडे नजर आते हैं, हर जगह दीवाने नबी का तस्करा करते हुए नजर आते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि मेरे मालिक ने फरमा दिया, बड़ा फाना लगा जिक्र के हबीब, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। कितना बुलंद कर दिया, शायर ने कहा कि बड़ा फाना लगा जिक्र का है साया तुझ पर, और जिक्र ऊंचा है तेरा मर्तबा आला तेरा, और तू घटा ऐसे किसी के ना घटा है ना घटेगा, कि जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, तो उनका जिक्र तो खुद रब ताला बुलंद फरमा रहा है, तो भला किसी इंसान की क्या मजाल कि उनके जिक्र को घटा सके। तभी तो अदीब रायपुरी ने फरमाया कि लफ्ज़ो माना में वो समाए नहीं, लफ्ज़ो माना के बाद क्या लिखूं, मैं खुदा तो नहीं अदीब हूँ ए दोस्त, बड़ा फाना के बाद क्या लिखूं। सामईन कराम, अगर हम इश्क मुस्तफा के तालिब हैं, नबी पाक से राब्ता जोड़ना चाहते हैं, नबी पाक की निस्बत हासिल करना चाहते हैं, नबी पाक की सोबत हासिल करना चाहते हैं, नबी पाक की गुर्बत के मुतमन्नी हैं, तो हमें नबी पाक का जिक्र करना होगा, और ये जिक्र सिर्फ जबानों से नहीं होगा, बल्कि अपने दिल को भी इसी जिक्र के अंदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तलक जुबान और दिल एक ना हो जाए, ये सदा नबी पाक तक नहीं पहुंच सकती, जब तक ये दिल नबी पाक को ना पुकारे, ये सदा नबी पाक तक नहीं पहुंच सकती। यही वजह है कि आज जगह जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्करे तो होते हैं, लेकिन चंद लोग हैं जिन्हें नबी पाक की जियारत होती है। सब लोग जब जिक्र करते हैं तो सबको ये दौलत क्यों नहीं मिलती, वजह सिर्फ इतनी है कि सिर्फ चंद लोग हैं जिनके दिल भी उनकी जबान का साथ देते हैं, और जब दिल जुबान के साथ हो जाए, तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दिल से निकलती है जो बात असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है, जब ये जुबान और दिल एक हो जाते हैं तो ये आवाज नबी तक पहुंच जाती है, और जब नबी तक पहुंच जाए तो ये नामुमकिन है कि मेरे आका उसको समाप्त ना करें। मेरे आका जब इस आवाज को सुनते हैं, इस दिल की आवाज को सुनते हैं, तो खुद अपनी बज़्म में तशरीफ ले आते हैं। आइए कि नातों का सिलसिला जारी सारी है, गुजारिश करूंगा
जनाब मोहम्मद तनवीरुल इस्लाम अहमद काजी साहब से के बागा है सालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम में हदिया अकीदत पेश फरमाए। तमाम साथी जो स्टेज पर है और जो नीचे बैठे हैं सब मिलकर बुलंद आवाज से दूसरे का नजारा पेश करें। तमाम साथियों से कि जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए और जो ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाए उन सब से कि वो मेरे साथ मिलकर हुज़ूर नबी करीम ताजदार आलम आज़म की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करें ताकि हम तमाम की हाजिरी भी हो सके। अगर नीचे वाले साथी अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम गुनगुनाएं जरूर, अपने लबों को हिलाएं जरूर ताकि आप तमाम की हाजिरी भी नबी अकरम ताजदार आलम की बारगाह में हो सके। चंद अशआर हज़रत मौलाना इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिखे हुए, उसके बाद सैयदुश शहदा इमामुश शहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद अर्जुमंद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम का लिखा हुआ कलाम नातिया कलाम पेश करने की सलाह करूँगा। मुल्क अजीज के नामवर सना खान जनाब मोहम्मद नसरुल्लाह खान नूरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। आपने इनको रेडियो और टेलीविजन पर सुना होगा, देखा होगा, आज आपके सामने बनफ्से नफीस तशरीफ फरमाए। इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर आप उनकी पुर कैफ और पुर सोज आवाज से मुस्तफीद हो सकेंगे। तमाम साथी मेरे साथ मिलकर हदिया अकीदत पेश फरमाएं। मौला या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अकरम खल्क माली मन या अकरम खल्क माली मन Oh,
का लिखा हुआ नातिया कलाम पेश फरमा रहे थे। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा इनके कदमों पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। और रसूल पाक खुद अपनी बदम में तशरीफ लाते हैं, रसूल पाक खुद अपनी बदम में तशरीफ लाते हैं, मगर वो दिल के अंधों को नजर आया नहीं करते। समझने कराम बात जब हो इखलास की, बात जब हो इश्क की, बात जब हो मोहब्बत की, बात जब हो गुलामी की, तो अगर इसके अंदर दिल साथ ना हो तो वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती, वो मुकम्मल हो ही नहीं सकती। जब तलक मोहब्बत के अंदर दिल शामिल ना हो वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, इश्क के अंदर दिल शामिल ना हो वो इश्क इश्क हो ही नहीं सकता। तो हम नबी पाक से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम नबी पाक से इश्क का दावा करते हैं, लेकिन ये क्या है कि हमारी जुबान तो नाथ पड़ रही है लेकिन हमारे दिल के अंदर दुनियाए मुर्दार घूम रही है। ये कैसा इश्क है नबी का कि जुबान जो ना नबी की नाथ पड़ रही है लेकिन दिल में वो नाथ नहीं है। हमारी जुबान नाथ पड़ रही है, दिल में दुनियावी ख्याल है। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा जज्बा है। आज इसी पैगाम को लेकर हम मैदान अमल में हैं कि अगर मोहब्बत मुस्तफा में कामयाबी चाहते हो, अगर इश्क के जज्बे को सुरखरू देखना चाहते हो, तो अपने जुबान के साथ साथ अपने दिल को भी उनके नाम लेवाओं में शामिल कर लो, क्योंकि जब तलक ये दिल शामिल नहीं होगा
तब तलक इखलास नहीं होगा, और जब तलक इखलास ना हो तो ये नामुमकिन है कि कामयाबी मिल जाए। कामयाबी के लिए जरूरी है कि आपका दिल पूरी तरह से, ख्वाह वो इबादत हो, ख्वाह वो रियाजत हो, ख्वाह वो दुनिया का कोई भी काम हो, जब तलक दिल उसके अंदर शामिल ना हो उसके अंदर खुलूस पैदा नहीं हो सकता, और जब तलक खुलूस पैदा ना हो तो उसके अंदर सच्ची तड़प, सच्ची लगन और सच्चा जज्बा पैदा नहीं होता। जब जज्बा सादिक ना हो तो कामयाबी का क्या कहना। इसीलिए आज हम कहते हैं कि अपने जुबान के साथ साथ अपने दिल के अंदर भी नबी पाक का इश्क पैदा करो। लेकिन दिल के अंदर ये नबी पाक का इश्क कैसे आएगा? हजरत अली से एक शख्स ने कहा के अली, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कहा है, जगह जगह कुरान में हुजूर पाक की अजमत के गीत गाए हैं, जगह जगह उनके मरातिब बताए हैं, जगह जगह ये कहा है कि ये मेरे महबूब हैं, सबसे अफजल हैं, मैं इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अब ये बताइए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है कि ये मेरे महबूब हैं, तो महबूब के ऊपर खुद को तरजीह नहीं दी जाती। आप मुझे ये बताइए कि कलमे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद को तरजीह क्यों दी? ला इलाहा इल्लल्लाह पहले अल्लाह का नाम क्यों आया, मोहम्मद का नाम बाद में क्यों रखा? हजरत अली ने फरमाया कि अरे ओ नादान, तू जानता नहीं कि ये इंसान सर से पैर तक नापाकी का पुतला है, पानी के गलीज कतरे से जन्म लेने वाला ये इंसान सर से पैर तक अगर वजू भी कर ले और खून बह जाए तो वो वजू मकरूह हो जाता है, तो फिर बकिया जिस्म की पाकी का क्या कहना। तो अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत ये गवारा नहीं करती कि कोई भी इंसान नापाक जुबान से उसके महबूब का नाम ले ले। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाम पहले रखा ताकि पहले बंदा अल्लाह का नाम ले ले। अल्लाह का नाम एक दफा लेने से ये जुबान पाक हो जाती है, जब ये जुबान पाक हो जाए तो फिर उसके महबूब का नाम ले। जब उस रब्बुल इज्जत ने यह नहीं चाहा कि हम अल्लाह के नाम से पाक किए बगैर उसके महबूब का नाम ले, तो जरा गौर कीजिए कि वो रब ताला ये कैसे गवाया कर सकता है कि जब तलक हम अपने सीनों को, अपने दिलों को इसमें जात अल्लाह से साफ ना कर ले, अल्लाह के जिक्र से साफ ना कर ले, तो इसके अंदर इश्क मुस्तफा आ जाए। तभी तो मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ली शैइन सिकाला व सिकालतिल कुलूब ज़िक्रुल्लाह, कि हर चीज की सफाई का कोई ना कोई आला है, कोई ना कोई हथियार है, लेकिन दिलों की सफाई का आला और हथियार फकत जिक्र अल्लाह है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर नबी पाक का सच्चा इश्क चाहते हो, नबी पाक के साथ सच्चे इश्क का दावा है, नबी पाक की गुलामी हासिल करना चाहते हो, तो अपने दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के नाम से पहले इस दिल को पाक कर लो। जब ये दिल पाक हो जाएगा तो इसके अंदर हुजूर पाक का इश्क भी आ जाएगा, और इसके अंदर उनका भी इश्क आ जाएगा जिनसे हुजूर पाक मोहब्बत करते हैं, ख्वाह वो अली हो, ख्वाह वो हुसैन हो, ख्वाह वो फातिमा हो, या हसन हो, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिन जिन से हुजूर पाक मोहब्बत करते हैं खुद ब खुद उनके लिए तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसी पैगाम मोहब्बत को लेकर हम मैदान अमल में हैं, और तमाम हजरत जो मेरी इस आवाज को समाप्त फरमा रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इन महाफिल का मकसद महज दो चार घंटे के लिए जिक्र करना और वापस अपने घरों को लौट जाना नहीं होता। हमारी इन महाफिल का मकसद यह है कि इस सिलसिले को कायम कर दिया जाए, इस इश्क के सिलसिले को फरोग दिया जाए, इस जिक्र के सिलसिले को फरोग दिया जाए। नबी पाक के इस जिक्र को सिर्फ यहाँ बैठ कर दो चार घंटे करने या दादे तहसीन वसूल करने के लिए हम नहीं आए हैं, बल्कि हमारा पैगाम यह है कि इस सिलसिले को इस तरह से कायम कर लो कि चलते फिरते, उठते बैठते, हत्ता के दुनियावी काम करते हुए भी तुम्हारे दिल उसी की याद से आशना रहे। जिसके लिए किसी ने कहा कि दस्त कार में और दिल यार में। इसी पैगाम को और इसी नुक्ते को लेकर हम मैदान अमल में हैं, करिया करिया इन महाफिल का, इन जिक्र की महफिलों का यही मकसद और महवर होता है कि अवामुन्नास के अंदर इश्क मुस्तफा का फरोग हो, अवामुन्नास को
वो तरीका पता चले जो औलिया अल्लाह ने अख्तियार किया, वो रास्ता पता चले जिस पर चलकर औलिया अल्लाह नबी पाक की गुलामी तक पहुंच गए और गुलामी से नबी पाक के दीदार तक पहुंच गए। इसीलिए हम कहते हैं कि ना कर इनकार ए जालिम बली के पास जाने से, खुदा भी रूठ जाता है बली के रूठ जाने से। आइए कि नातों का सिलसिला जारी वसारी है, गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद यूसुफ कादी साहब से कि तशरीफ लाएं और बागा सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम में हदिया अकीदत पेश फरमाएं। Allah, Allah, Allah.
मदीने बुला लो, मदीने बिछाते बिछाते
में बसर हो रहा है। ये एक एक लम्हा निहायत कीमती है, ये एक एक लम्हा न जाने कौन सा लम्हा हमारी बख्शिश के काम आ जाए, और न जाने इस महफिल में बैठे हुए किस शख्स के दिल से कोई ऐसी सदा निकल आए जो कि तमाम महफिल की हाजिरी का सबब बन जाए। इसीलिए तमाम अहले महफिल से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब भी कोई नात पढ़े तो पूरे अदब के साथ, एहतराम के साथ, ये तसव्वुर करते हुए कि इस बज़्म में नबी पाक का जिक्र हो रहा है, नबी पाक इस बज़्म में तशरीफ फरमा है, इतने अदब से बैठे जैसे आप उनको देख रहे हो, या ये तसव्वुर करें कि आप गुंबद खिज्रा पे हो, नबी पाक की जालियां सामने हैं और आप नात का नजाना पेश कर रहे हो। जब यह अदब, यह एहतराम मलहूज खातिर रहेगा तो यकीनन एक वक्त आएगा कि इस दिल में वो तड़प पैदा हो जाएगी, वो जज्बा पैदा हो जाएगा, वो इश्क पैदा हो जाएगा कि नबी पाक को पुकारेंगे और नबी पाक इस गुलाम की सुनकर बिगड़ी बनाने आ जाएंगे। तभी तो कहा गया कि लफ्ज़ माना में वो समाए नहीं, लफ्ज़ माना के बाद क्या लिखूं, मैं खुदा तो नहीं अदीब हूं दोस्त,
बड़ा पाना के बाद क्या लिखूं, वो नबी कि जिसके आने से सारे जहां में बहार आई। और सच तो ये है कि इंसान को इंसानियत का पता चला तो उस नबी दो आलम के आफ्ताब के तुलू होने के बाद। उससे पहले यही इंसान था जो हिदायत के लिए भटक रहा था, यही इंसान था जो अपने हाथ से अपने बच्चों को जिंदा दरगोर कर रहा था, यही इंसान था जो हर नजर आने वाली चीज को खुदा समझकर परस्तिश किया करता था। लेकिन जब उस नबी दो आलम के नूर की रोशनी फैली तो कायनात के गोशे गोशे को अपने नूर की आगोश की लपेट में ले लिया और जगह जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान करम से मुस्तफीद हुई और हर कल्ब के अंदर ये पैगाम हक पहुंचा। आज जरूरत इस अमर की है कि इस पैगाम को जुबान तक महदूद ना रखा जाए बल्कि इसको दिलों में उतारा जाए, और दिलों में उतारने के लिए पहले इस दिल को अल्लाह के जिक्र से पाक करना होगा, अल्लाह के जिक्र से इस दिल की बंजर जमीन को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि इसके अंदर इश्क मुस्तफा का बीज बोया जा सके। जब तलक ये दिल इस काबिल ना हो जाए कि इसके अंदर इश्क मुस्तफा आ जाए उस वक्त तक हम नबी पाक के इश्क को नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि मोहब्बत और इश्क में बड़ा फर्क है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, लेकिन इश्क इश्क करना पड़ता है। जब इश्क किया जाता है तो इस इश्क के अंदर इश्क करने वालों ने अपनी हर हर चीज को कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया, महबूब के लिए खुद मिट गए, तब जाके वो आशिक कहलाए। तभी तो कहा गया कि अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। ये इश्क होता है जो इंसान को अपनी जात की नफी करने पर मजबूर करता है, ये इश्क होता है जो इंसान की अपनी हस्ती को मिटा देता है, ये इश्क होता है जो इंसान को उसके महबूब से करीब कर देता है। लेकिन उस इश्क के आदाब, उस इश्क के रास्ते को पहुंचने के लिए जो लवाजमात हैं, जब तक वो ना किए जाएं इस इश्क का हसूल नहीं हो सकेगा। मोहब्बत सब करते हैं लेकिन इश्क कोई कोई करता है, और जब कोई इश्क करता है तो उसको इस तरह नवाज दिया जाता है कि कोई गरीब नवाज बन जाता है तो कोई दाता साहब बन जाता है, किसी को सुल्तान बाहू कहते हैं तो किसी को पीरान पीर कहा जाता है। गर्ज ये कि जिसको दरबार मुस्तफा से फिर खिलतें नवाजी जाती हैं तो रहती दुनिया तक अमर हो जाता है, वो दिलों पे हुकूमत करता है। जो ये इश्क वाले होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो नबी के गुलाम होते हैं, ये ताज ना होते हुए भी बादशाह होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हुकूमत जिस्मों पे नहीं होती, ये दिलों पे हुकूमत किया करते हैं, ये दिलों का पैगाम दिया करते हैं। यही वजह है कि आज गौसे आजम को सदियां गुजर गईं, दाता साहब को सदियां गुजर गईं, ख्वाजा साहब को सदियां गुजर गईं, गर्ज ये बेशुमार औलिया कराम हैं, सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी लोग उनके फैजान से मुस्तफीद हो रहे हैं, आज भी उनका नाम वैसे ही जिंदा होता बिंदा है जैसे उनकी हयात मुबारका में था, आज भी उनके दरे अकदस से खल्क फैजियाब होती है। वजह क्या है? उन्होंने इश्क के अंदर अपने आप को मिटा लिया था, उन्होंने नबी के इश्क के अंदर अपनी जात की नफी कर दी थी, उन्होंने उस इश्क के अंदर अपने आप को इस तरह रंग लिया कि उनकी अपनी जात का रंग खत्म हो गया और वो रंग हुसैनी में रंग कर नबी पाक से विसाल का जाम नोश फरमाया। ये नेमत उस वक्त मिला करती है कि जब इस दिल के अंदर ऐसी तड़प हो, ऐसी लगन हो, ऐसा जज्बा हो जो यहाँ से उठे तो नबी पाक के दर पे पहुंच जाए। लेकिन उसके लिए पहले इस दिल की खेती को इस काबिल करना पड़ेगा, इस दिल की बंजर जमीन को इतना जरखेज करना पड़ेगा कि ये इश्के मुस्तफा के लायक हो जाए। इसके अंदर इश्के मुस्तफा का सजर उस वक्त तक नहीं फूटेगा जब तक ये जमीन जरखेज ना हो जाएगी, और ये जमीन दिल उस वक्त तक जरखेज नहीं हो सकेगी जब तक इसके ऊपर अल्लाह के जिक्र की जरबे ना पड़े। तभी तो कहा कि अल्लाह अल्लाह करते करते हु नजर आया मुझे, और हु में हुआ गुम तो तू नजर आया मुझे। आइए कि नातों का सिलसिला जारी वसारी है, गुजारिश करूंगा जरा टेलीविजन और रेडियो के मशहूर मरूफ सनाखा
जनाब नसरुल्लाह खान नूरी साहब के तशरीफ लाएं और बागा सालत माब